हेलो गाइस, आज बनाएंगे भरवा मिर्ची। काफ़ी टाइम से बनाई नहीं थी, बहुत दिन हो गए थे और मिर्ची भी रखी थी कई दिनों से, तो सोचा चलो कि आज भरवा मिर्ची बनाते हैं। तो है ना, सबसे पहले मैंने मिर्ची को ले लिया था और धो लिया था। धो के फिर इनको एक कपड़े से पोंछ के इनमें बीच में से चीरा लगा लिया था, और चीरा लगाने के बाद फिर हमने मिर्ची रेस्ट कर रही है, तब तक इनका थोड़ा पानी और होगा, वो सूख जाएगा। फिर हमने एक मिक्सी जार में 2 चम्मच राई, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 बड़ी चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मेथी के दाने, ये पेट के लिए सही होती है, मेथी इसलिए ले लिए थे। हाँ, ज़्यादा नहीं लेने मेथी के दाने, नहीं तो ना फिर मिर्ची के अंदर ये पिसते नहीं आ जाते। फिर हमारा मसाला पिस गया, तो मैंने इसमें हल्दी और नमक ऐड किया और 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड किया, ताकि ये तेल इतना ही डाला था जितना मिर्ची में हमारा मसाला अच्छे से भर जाए और निकले ना। फिर हमारी एक एक करके हमने सारी मिर्ची भर के तैयार कर ली। अब हमारी सारी मिर्ची भर दी हमने, फिर उसके बाद मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया, और तवे पे अच्छी बनती है ज़्यादा। फिर मैंने तवे पे तेल चढ़ा के सारी मिर्चियों को एक एक करके रख दिया। और हाँ, ये ना मिर्ची बन भी बहुत जल्दी आती है, इनको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 7 मिनट में बन के तैयार हो जाती है पूरी। फिर हमने मिर्ची हमारी बना ली, और हमने ना मिर्ची के साथ आज बनाई थी बीट रूट की रोटी। फिर उसके साथ हमने मिर्ची को, अब हमारी मिर्ची बनके तैयार हो गई, एक बर्तन में निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने बीट रूट का आटा लगा लिया था, और आटा लगा के फिर हमने रोटी बनाई थी, और दही और मिर्ची, और अब हमारी रोटी